नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो रही हैं और चर्चाएं ये हैं कि वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र की कमान जिस रूप में संभाली है, जिस तरह लोगों से दिल मिलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और उसके बाद एक के बाद एक तस्वीरें उनकी जो सामने आ रही हैं, क्या वाकई में पांचवें चरण के चुनाव से पहले अशोक गहलोत राजस्थान में लेकर खुद के भविष्य को संवारने की कोशिशों में जुट गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जिस तरह की चर्चाएं थी उन्हें विराम देने की तैयारी में जुट गए हैं? क्या अशोक गहलोत का भविष्य होगा इस चुनाव के बाद? ये सवाल आज पांचवें चरण के चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक, क्या वो गेम चेंजर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है, उससे बहुत कुछ तय होगा। तो अगले एक घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ नम्रता सिंह जी हैं बीजेपी से, रवि कुमार सिग्दर जी हैं कांग्रेस पार्टी से, राकेश वशिष्ठ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रवि कुमार सिग्दर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी इस वक्त अमेठी में जितनी ताकत झोंक रहे हैं और इस तरह चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, क्या लगता है राजस्थान में एक बार फिर से पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी? आप बाकी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा राकेश जी, ताकि रवि जी को ठीक से सुन सके। जी रवि जी। जी मीना जी, जैसा आपने मुझसे सीधा प्रश्न किया है कि राजस्थान के बाद में या राजस्थान की जो स्थिति रही उसके बाद अमेठी में जाकर वो जोर लगा रहे, तो देखिए मीना जी, ये पार्टी का निर्णय है और नेतृत्व हमें कहीं पर भी जिम्मेदारी लेकर भेज सकता है और हम उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जाते हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का चुनाव इन्हीं कारणों की वजह से हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन हाँ, अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, या हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता हैं, वो सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और 28 के चुनाव जो आने वाले हैं वो मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। जो 3 महीने में फिर भजनलाल सरकार रही है, देखिएगा, हो सकता है ये 5 साल तक भजनलाल भी रहेगी ना इस सीट पर कभी, तो मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। जनता परिवर्तन अपने आप कर रही है, 3 महीने में इनका कथनी और करनी सामने आ चुकी है। जी, कथनी और करनी सामने जो आ चुकी है उसके बाद अशोक गहलोत एक बार फिर से सामने है, मैदान में है। कथनी और करनी बीजेपी की जो है उसका तो प्रदेश में सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज की सच्चाई है। वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की चर्चाएं थी कि कांग्रेस में भी अब अशोक गहलोत का काल खत्म हो चुका है इस चुनाव के बाद। जगदीश शर्मा जी, आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद जिस तरह की चर्चाएं थी, अशोक जी एक बार फिर से जुट गए हैं उन चर्चाओं को विराम देने के लिए? मीना जी, ऐसा है कि पॉलिटिशियन जो 40-50 साल राजनीति कर लेता है ना, उसको चैन नहीं पड़ता, फिर बड़ा मुश्किल का काम है चुपचाप बैठ जाना, हर एक के बस की बात नहीं है। और बहुत कम पॉलिटिशियन है जो अपनी टर्म पूरी करने के बाद चुप बैठे। देखिए, आप खुद ही निगाह डाल लीजिए पिछले 10-15-20 साल में कितने ही पॉलिटिशियन है जिनकी उम्र 80-85 से ऊपर हो गई, वो चैन से कहाँ बैठे, कौन बैठा चैन से, कोई भी नहीं बैठा। अशोक जी के साथ तो ये खूबी है कि वो जितनी बनावटी बातें कर सकते हैं, जितना अपनी बातचीत में झूठ का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे बहुत कम पॉलिटिशियन है राजस्थान में, खुद ही सिद्ध हो गई इस बीच उनकी बहुत सारी झूठ सिद्ध हो गई है, इसलिए किसी कुछ कहने उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे अशोक जी तो बहुत अच्छा रिलेशन है और उस जमाने से है जब वो NSUI में थे, जब वो NSUI के कार्यकर्ता थे, उस जमाने से मेरे अशोक जी से रिलेशन है। उनके 3 टर्म मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर देखे हैं, उनके 3 टर्म मैंने एज ए सेंट्रल मिनिस्टर देखे हैं, डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर रहे हैं वो 3 बार, और 3 टर्म ही मैंने उनके PCC चीफ के रूप में देखे हैं।
अब सबको अगर हम जोड़कर देखें एक साथ और उनकी कही हुई बातों को देखें तो आपको पता चल जाता है कि वो कितना वेग स्टेटमेंट देते हैं, कितनी सही बात बोलते हैं, कितना उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। मुझसे किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन उसके बाद जगदीश शर्मा जी, उसके बाद भी जगदीश शर्मा जी, उसके बाद भी अगर अगर तीन टाइम तीन जगह है, सेंटर मिनिस्टर, पीसीसी चीफ और चीफ मिनिस्टर, तो इसका मतलब राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं। और ऐसे में राजनीति के उस माहिर खिलाड़ी से लोग ये उम्मीद करें, और खास करके राजनीतिक लोग ये उम्मीद करें कि वो घर बैठ जाएं, ये आसान भी नहीं है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मीना जी? हाँ मीना जी, मैं जगदीश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहता हूँ। एक किस्सा था कि एक गांव में बारात जाती थी तो उसमें ये मनाही थी कि किसी बुजुर्ग को नहीं लाना बारात के अंदर, क्योंकि वहां ऐसे प्रपंच किए जाते थे कि वो बारात हैजर्ड हो या उसको तंग किया जा सके या जो भी कारण हो। मगर एक ही गांव में ऐसे ही बारात गई यूथ की, उसमें एक आदमी बूढ़ा सा छुप के चला गया। जब जाके देखा वहां पे जो हाल बने, जिस ससुराल वालों ने जो किया, उनका हाल उन लड़कों के पास नहीं था, तो उन्होंने वो जाके बात अपने उस बुजुर्ग को कही जो छुपा हुआ था अंदर, उसने उसका हल निकाल दिया। तो जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि जरूर ढूंढो, इसमें कोई बुजुर्ग आया हुआ है। तो ये जो अशोक गहलोत जी है ना, वो बुजुर्ग है पार्टी के, वो जिसके पास सब राजनीति का हल है। ये चुप, इनको चुप पार्टी बैठने भी नहीं देगी, क्योंकि आज अगर अमेठी में ले जाकर इनको रखा गया या राहुल गांधी के साथ जोड़ा गया तो ऐसे ही थोड़ी ना जोड़ा गया, उसके पीछे भी तो एक सोच है। सोच यही है कि जो उनका अनुभव है जनता से जुड़ने की, उनकी जो तासीर है, वो जो मुद्दों को जितने आसानी से जनता तक ले जा सकते हैं और जिस तरह से अपनी भाषा से, अपनी शैली से जनता से बहुत निकटता बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एक बुजुर्ग के नाते अपना नाता जोड़ सकते हैं, वो चीज प्रभावी है। मीना जी, मैंने आपको कहा था पहले भी और आज फिर कह रहा हूं, अब ये पांचवें चरण का दौर आ गया है, दो दिन बाद पांचवें चरण हो जाएगा और राजनीति रोज नया गुल खिलाएगी। नया गुल खिल गया, आपने देखा होगा खटाखट और मालती स्वाति मालीवाल आ गई है राजनीति के अंदर अब नए चरण के लिए। आप देखिए ना दौर किस तरह से बदल रहा है। तो ऐसे जो मुद्दे जब जब भी आएंगे तो उसको फेस करने के लिए बुजुर्ग नेता, परिपक्व नेता जो इन परिस्थितियों को देखे हुए होते हैं, जो समझे हुए होते हैं कैसे इनका सामना किया जाए, कैसे इस चीज को, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन का सवाल है, मामला बहुत ज्यादा फाइटिंग का चल रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में। तो इस प्रकार के बुजुर्ग नेता, जो अनुभवी नेता है, जगदीश जी मेरी बात से ताइद करेंगे, क्योंकि जगदीश जी ने खुद ने कहा कि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, वो झूठ बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। एक नेता की जो सारी खूबियां जगदीश जी होनी चाहिए, आप मेरा साथ देंगे इसमें, वो अशोक जी में है। वो जनता से पूरी तरह से जुड़ते हैं, जनता से हर आप और हम तो पत्रकार हैं, हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कह सकते हैं आप जब वो एक सीएम से बात कर रहे हैं, हम इतनी निकटता हमारी उनके साथ हो जाती है, हमारी प्लेट में से वो उठा के पकौड़े खा लेते हैं। एक सीएम आके पत्रकार की प्लेट में पकौड़े खा जाए तो आप उनका अर्थ देखिए, उसका क्या मैसेज है, वो समझता है कि ये मेरे सबसे निकट आदमी है और वो उसकी राजनीतिक परिपक्वता है, वो उसकी राजनीतिक परिपक्वता है कि वो अपने आप को सीधा जोड़ रहा है पब्लिक से, वो अपने आप को सीधा जो जनता है या पत्रकार है या जो भी जिनसे भी वो जुड़ना चाहता है वो सीधा रूप से जुड़ता है। मुझे एक बार याद है, आप जगदीश जी तो मेरे से ज्यादा अनुभवी होंगे इस मामले में और ज्यादा साथ रहे होंगे, उदयपुर में रात को 2:30 बजे अशोक जी ने लंच किया पत्रकारों के साथ। रात को 2:30 बजे लंच का टाइम नहीं होता, वो इतना शेड्यूल टाइट था, उसके बाद 2:30 बजे रात में उन्होंने लंच किया, इसके बाद डिनर किया, सॉरी लंच नहीं डिनर, डिनर किया उन्होंने रात को 2:30 बजे डिनर किया उन्होंने, और इतने अच्छे से बात की, जो अंतरंग बात की, पत्र
पत्रकारों की समस्याओं को सुना, तो ये परिपक्वता है, ये इसको आपको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और पार्टी को भी उनको जरूरत है, और जिस तरह के मुद्दे भी दो और तीसरे पांचवे के बाद पत्ते साथ में आएंगे। आज जहां पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है वहां पर कांग्रेस पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो अशोक गहलोत को भले ही उनके प्रति नाराज की रही हो पिछले साल के घटनाक्रम से जो भी राजस्थान में हुआ 2023 में, लेकिन कुल मिला 22 में, लेकिन इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत है। राकेश वशिष्ठ जी, अशोक जी ऐसे नेता है जो अपनी जरूरत आलाकमान और पार्टी के भीतर बनाए रखने में कामयाब होते हैं, तो ये एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। और अगर एक राजनेता सफल है हर तरह से, इस रूप में भी कि वो आलाकमान को अपनी जरूरत समझा सकता है, इस रूप में भी कि जनता के बीच में एक नेता की छवि के रूप में अपनी जगह बना सकता है, और इस रूप में भी कि अपने विरोधियों को सबको चित कर सकता है, तो ऐसे राजनेता को तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। देखिए मियां जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गहलोत साहब बड़े चतुर राजनेता, और पिछले 5 साल के टेन्योर में उन्होंने अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ ही साबित कर दिया। कितना भी विरोधाभास रहा, केंद्रीय नेतृत्व कितना भी इनके खिलाफ रहा, कितनी भी कोशिशें हुई, लेकिन अपनी राजनीतिक चालों से उनको सबको विवश कर, इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो राजस्थान में नेतृत्व तो वो ही संभालेंगे। पायलट के प्रति जितनी स्तर उतर करके जो बातें की, वो भी उसके बावजूद भी वो रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि अब वो कितने असरदार होंगे लोकसभा के चुनाव में, ये अभी कहना बड़ा इमैच्योर है, क्योंकि उनकी काबिलियत का तो पता जब लगेगा, जब अमेठी का चुनाव पॉजिटिव आता है। अभी केवल एक क्षेत्र की जिम्मेदारी, सहयोगी है, जिम्मेदारी भी नहीं है, और एज ए ऑब्जर्वर गए हैं, मां तो सारी कमान प्रियंका वाड्रा देख रही हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनको क्रेडिट तो तभी मिलेगा जब मां का चुनाव ही जीत जाए, जो कि बड़ी नेक टू नेक फाइट, जहां हम ज्यादा से ज्यादा ही मान के चल रहे हैं जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से मां 5 साल में आपके स्मृति ईरानी ने अपना काम जमाया है और बड़ी तेज तर्रार नेता हैं, तो उनको शिकस्त दे पाना और एक साधारण व्यक्ति के द्वारा, इनका परिवार का होता तो एक अलग अलग बात थी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कुछ दौर, लेकिन तो भी मान भी रहे हूँ, तो भी नेक टू नेक फाइट है, और अगर इसमें मां शिकस्त हो गई तो हम आप कह नहीं सकते कितने असरदार हैं। अब एक सवाल और है मीना जी, आज की जो राजनीति है ना, उसमें बहुत बदलाव आ गया पुरानी सन 80 की राजनीति में आज की राजनीति। आज की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा, एक मुद्दा केवल एक ही मुद्दा नहीं है, और के मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा जातिगत आधार भी होता है। अपने राजस्थान में जो इनकी काबिलियत थी वो जोधपुर सीट से जीते अलग बात थी, लेकिन एक एक जाति विशेष इनके मुख्यमंत्री बनने के साथ इनके साथ एकजुट थी, और वो उनके पक्ष में जहाँ जाते थे इनके पक्ष में कांग्रेस को वोट कास्ट करते थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमेठी के अंदर इनका जातिगत ऐसा कोई आधार वहाँ है नहीं, अलग 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 जाति के लोग हैं, शायद इनकी जात जाति के आधार नहीं है। राजनीतिक चातुरता वो कितनी दिखा पाते हैं, ये तो हम लोग यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, जो अखबार में रिपोर्टिंग आ रही है, यहाँ आती नहीं है, वैसा तो पता नहीं लगता, राजस्थान में हो रहे हो तो काफ़ी काफ़ी कुछ पता लग जाता, लेकिन उनकी सक्रियता है, और उससे अब एक कांग्रेस सामने एक समस्या और रह गई, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जगदीश जी ने भी किया होगा, अब इनके पास बड़े तजुर्बेकार नेता रहे कहाँ, कुछ तो छोड़ छोड़ के भाग गए, कुछ ऊपर चले गए। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, वैसे ही लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसे में तो और ज्यादा जरूरत है अशोक गहलोत की कि वो जो वही बात मैं कह रहा हूँ, अब लाएंगे कहाँ से आदमी, अब आपको अशोक गहलोत नहीं लाएंगे, आपके पायलट साहब पायलट जी को नहीं लाएंगे, या और भी नेता है उनको नहीं लाएंगे, तो किसको यूज करेंगे,
पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आज कांग्रेस सबसे बदतर स्थिति में चुनाव लड़ रही है। अब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन जो 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 कांग्रेस पार्टी 60 सीटों चुनाव लड़ती थी, आज शायद 300 कुछ सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, वो भी ये रहा कि पश्चिम बंगाल में और पंजाब में इनका समझौता नहीं हुआ, नहीं तो ये तो और 300 से नीचे 270-280 सीट पर ही आ जाते हैं उत्तर करके। और नेतृत्व के नाम पर इनके पास कोई नहीं है, नेतृत्व के नाम पर वही गांधी परिवार है, चाहे राहुल गांधी है चाहे आपके प्रियंका गांधी है। अब आप ये देखिए, इस बार चुनाव तो हमने बहुत देखे, प्रियंका वाड्रा कितनी मेहनत कर रही है, वो गांव गांव घूम रही है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घूम रही है, ऐसा कभी कभी हुआ नहीं गांधी परिवार। ये तो ऐसा होने की नौबत भी तो नहीं आई, ऐसा तभी तो होगा जब आप विपक्ष में होंगे, आप तो हमेशा सत्ता में थे, चांदी की चम्मच से आप बड़े हुए, चांदी की थाली आपके सामने थी, दो इलेक्शन तो हो गए ना, आपके पिता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, तो ये मुमकिन भी नहीं था। जो लोग भी राहुल गांधी को इस बात के लिए कोसते हैं, दरअसल वो अगर ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो कैसे भला राहुल गांधी इस बात को समझ पाते, ना तो उनकी इतनी उम्र थी, ना ही उन्हें घर में ऐसी ट्रेनिंग मिली, राजीव गांधी खुद जो है वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, तो ऐसे में सोनिया गांधी उन्हें आने नहीं देना चाहती थी, तो ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीतिक परिपक्वता के आज जिस दौर में है उसमें आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले कैसे आते। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जिन लोगों को सत्ता सड़कों पर जिन्होंने अपने 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र में सीखी, उनके लिए चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं वडनगर की स्कूल में डिबेट कंपटीशन होता था वीकली साप्ताहिक रूप से, हर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, एक दिन डिबेट कंपटीशन में फ्राइडे को हर बार होती थी, पार्टिसिपेट नहीं किए, नाम नहीं था, वहां पहुंच के टीचर को सीधे पकड़ के बोला आपने मेरा नाम कैसे नहीं लिया, टीचर ने बोला नाम आपने लिखवाया ही नहीं था, बोले आज परमानेंट लिख लो हर फ्राइडे के लिए, मैं चाहे नाम लिखवाऊं चाहे नहीं लिखवाऊं। तो आठवीं क्लास में नौवीं क्लास में जिसके ये तेवर थे और जिसने तमाम विपरीत परिस्थितियों से निकलकर एक प्रचारक से लेकर और पार्टी के भीतर भी जितना जितना संघर्ष जमीन पर किया उतना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अपेक्षित नहीं था, लेकिन अगर वो आज कर रहे हैं जब स्थिति उन्हें ऐसा करने की आ गई है तो इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उसी परिवार के वही बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल गांधी बना दिया, ये तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी सफलता है इस चुनाव में। चाहे मीना जी ये बीजेपी ये चाहती थी कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, वही उनके लिए बेनिफिशियल है इस तरह से चुनाव लड़ना। और जहां तक आप इस तरह संघर्ष की बात करते हैं ना, माधवराव ज्योतिराज सिंधिया इन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या नहीं किया, लेकिन लेकिन उनकी देवीय आप ये कह लो परंपरागत रूप से कहीं बोलचाल भाषण देना लोगों से संबंध रखना, ये उनका राशि परिवार के होने के बावजूद भी उनके संबंध है, लेकिन ये हमेशा कटे रहे, वो राजनेता के जो गुण आने चाहिए वो इनके अंदर नहीं रहे, अगर रहे होते शायद इतनी परेशानी नहीं आती इनको। हमें 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 इस बात का भी उन्हें ग्रेस मार्क देना चाहिए क्या राकेश वशिष्ठ जी, जब चर्चा निष्पक्ष हो तब कि भाई उनकी दादी को जिस तरह से उनकी मौत हुई, उनके पिता की जिस तरह से मौत हुई, जो उनकी उम्र थी उस समय उस परिस्थिति में उनके लिए क्या इतना आसान था जितना बाकी लोगों के लिए था। अब आप देखिए मीना जी, आपको योगी आदित्यनाथ को कहां से मिल गई, योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल 25 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे, उनको क्या राजनीतिक अनुभव था, ना उनका कोई ऐसा पीछे बैकिंग थी, लेकिन उस आदमी में राजनीतिक समझ थी और राजनीतिक समझ के साथ साथ वो इस बात को जानते थे कि अपनी राजनीतिक समझ का उपयोग कहाँ करना है। आज उनके पीछे इतने पॉपुलर लीडर हुए उसका क्या कारण है, किसी ने उम्मीद की थी क्या कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टरशिप की पहली बार जिम्मेदारी दी जाएगी, वो इतने सरपट दौड़ेंगे कि उनको अब तो बहुत बड़ा नेता माना जाने लग गया। ये आदमी की खुद की काबिलियत पर डिपेंड करता है, आप इनके भाषणों को उठा के देख लीजिए, कि प्रभावित करने वाले भाषण है क्या, एक एक बात को चार चार साल पांच पांच साल तक घुमाते रहते हैं। मोदी हर दिन चार मीटिंग करेंगे तो चारों मीटिंगों में चार अलग अलग बातें होंगी,
उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें होंगी और उन बातों को लोग पसंद भी करते हैं और लोगों को अपनायत भी लगती है कि ये आदमी हमारे हित की बात कर रहा है। ये सारी बातें, ये तो अब तो इनके पास तो वही बातें हैं सारी, वही अडानी है, वही अंबानी है, वही इनको कान पक गए इनकी बातों को सुनते सुनते। तो इस तरह की कोई जाओ इनमें रवि जी सवाल का इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी बात सुन के। रवि जी सीधे पहले बातें सुनकर लग रहा है कि जो सुनिए मीना जी सुनिए, मैं आपको अच्छे से पता है मैं आपके साथ काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वरिष्ठ जनों का बहुत सम्मान करता हूँ, निष्पक्षता के साथ अगर ये बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो यहाँ बैठने चाहिए थे भाजपा वाले वो तो भाग गए, वो तो निकल लिए और मेरे वरिष्ठ जनों को छोड़ गए, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्षता कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है। आदरणीय जी मैंने आपकी सबके सुन ली है, आदरणीय जी मैंने आपकी सुन ली है, अब आप भी अनुभव का परिचय देते हुए मेरी भी सुन लीजिए मीना जी। हाँ, क्योंकि मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ, पत्रकारों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और आपका तो जीवन से काफी अनुभव हम लोग बहुत लोगों की गालियां सुनते हैं। हाँ ठीक है, वो तो चलो कोई बात नहीं, बाकी आज बात हो रही है। देखिए मीना जी, एक मुझे इतना अच्छा सा लग रहा है कि जिसको बैठकर जो बोलना चाहिए था वो तो निकल लिए, नाम सुनते ही निकल लिए कि भैया आज तो उनके बारे में डिबेट हो रही है। और आप सबने कहा कि अशोक जी ये, अशोक जी वो, आपने खुद ने बता दिया कि वो कितने अनुभवी है। आदरणीय मुनीष जी ने कहा कि एक बुजुर्ग का रहना बहुत जरूरी है, तो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपने खुद ने भी देखा होगा कि जहां जहां पर भी अशोक जी पहुंचे हैं वहां वहां पर मोदी जी को मुखी खानी। बात कर रहे थे आप स्मृति ईरानी जी की, बहुत बोल्ड लेडीज है। अरे भैया पूरे 5 साल में जो बोल्ड लेडीज 400 के भाव पर उछल उछल कर कूदती थी, आज वो 1100 के होने पर भी नहीं बोल रही है। महिलाओं के बारे में कुछ भी हो जाता था तो वहां नहीं बोल रही है। आज मणिपुर हमारे सामने है, आज महंगाई हमारे सामने है, इन पर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। बात कर रहे थे छोड़कर जाने वालों की, मीना जी आप कह रहे थे ना आदरणीय छोड़कर जा रहे हैं, मैं फिर एक बात वही दोहराऊंगा कि भाजपा में जितने साथी प्रवक्ता बैठते हैं उन सबसे आधी उम्र, कई बार बोल चुका हूँ आधी उम्र का हूँ और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस वो वट वृक्ष है जो हर किसी की बस जाने वाले को कोई पूछता ही नहीं है। बात कर रहे थे आप राहुल गांधी जी की, आज आप देखिए कि कितना जबरदस्त माहौल राहुल गांधी जी का हो चुका है। आपने कहा, आप सबकी कई भी बातें कह रहा हूं मैं, मेरे मन से कोई बात नहीं जोड़ रहा कि इस बार का चुनाव टक्कर का चुनाव है। टक्कर कहां से पैदा होगी? राहुल गांधी जी की बदौलत होगी। आप बात कर रहे थे कि उनकी बातें सुन सुनकर पक गए हैं लोग, अडानी अंबानी, अरे भैया हम 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, अरे भैया हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं जो वास्तविकता में आज देश की जरूरत है। आप एक भी भाषण मुझे उठाकर बता दीजिए कि इस बार के चुनाव में पहले चरण के बाद में मोदी जी ने एक भी भाषण में युवाओं के रोजगार की बात की हो, महिलाओं की बात की हो, किसानों की बात की हो। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था कि अगर मैंने हिंदू मुस्लिम किया तो मैं पदों पर रहने योग्य नहीं हूँ, ये वीडियो वायरल हो रहा है। और एक और वीडियो, मेरा मकान मुस्लिमों के मोहल्ले में है, ईद के दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था। अरे भाई आपके घर ईद में खाना नहीं बनता था और आज आप मंच पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, शर्म करो मोदी जी। उस पद पर बैठकर आप अगर ये बातें कर रहे हैं ना तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो ही नहीं सकता। और आप सब जो निष्पक्ष होने के बजाय, क्या कहूँ आप खुद समझदार है, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बात आज एक चीज स्पष्ट हो गई है कि चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी है और राहुल गांधी मजबूती से मुंह तोड़ टक्कर दे रहे हैं। एक बात कह दूं मीना जी, इन्होंने महिलाओं की बात की, महिलाओं की बात की, आपकी साथी मालीवाल के बारे में आपके प्रिय बाडर का क्या स्टेटमेंट आया, ध्यान है आपको? उन्होंने क्या कहा परसों? पार्टी का अंदरूनी मामला है, निपटेंगे इस तरह का। और जब कहां वो हाथरस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्टेटमेंट था, क्योंकि उनकी कुछ नस्ल भी हुई है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और उन हाथरस की बात कर रहे हैं, वहां पे दिखाई दे रहा था जो जो बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, उस सारी परंपराओं को ताक में रखकर माता पिता को बिना चेहरा दिखाए रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उस पर बात कीजिए। यहाँ पर जांच हो रही है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, साथ खड़ी हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा होगा उनका, उन्होंने कहा है कि मैं साथ खड़ी हूँ।
अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं साथ खड़ी हूँ, और आज मैं भी कह रहा हूँ इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है। अगर स्वाति जी के साथ कुछ गलत हुआ है तो पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। आपके मोदी जी में हिम्मत है, जब पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था आपने उन्होंने एक बार भी आकर बोला उस भ्रष्टाचार उस बलात्कारी ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में? अभी वो प्रज्वल रमन्ना उसके 3000 वीडियो बाहर आए हैं, उनके समर्थन में खड़े होकर रैलियां कर रहे हैं। आपको पता भी यही बातें बात कर रहे हैं आप, हाथरस वाली हाथरस की फर्क देखिए आदरणीय जी। मैं अगर आप भाजपा का साथी कोई होता ना तो लोगों को बता देता, लेकिन आप पत्रकार रह गए, लेकिन आपके इस तरीके के निर्णय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपकी अपेक्षा रखने और नहीं रखने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपेक्षा नहीं स्पष्ट है, स्पष्ट है। आपने हाथरस को स्वाति जी से जोड़ दिया, हम कह भी नहीं सकते। आपने हाथरस को स्वाति जी से जोड़ दिया, आपने मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात का खंडन भी कर रहा हूँ कि आपने हाथरस वाली घटना को स्वाति जी से जोड़ लिया। अच्छा रवि जी, हम थोड़ा सा अलग दिशा में चले जाएंगे, हम थोड़ा अलग दिशा में चले जाएंगे। हमारी बहस का ये क्या है, रवि कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को जो कि अशोक गहलोत की पार्टी है। जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं ना, वो अपने कुलीग जो डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, उनके लिए निकम्मा फला जाने क्या क्या बोलते थे, उनको सुनाते थे। तो ये अशोक गहलोत की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसी तरीके से बोलेंगे। अब आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हो गया, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना आपस में? राहुल गांधी से जो है पिछली बार ही हार के चले गए थे अपनी पुरानी सीट पे अमेठी से, उनका बराबरी का क्या लेना देना है? तो सवाल ये नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बोलिए, दूसरे क्या अब राकेश जी ने क्या कहा है या और किसी ने क्या कहा है, इसको इशू मत बताइए। इसमें भैया भी बहुत छोटे हैं, अनुभव भी छोटे हैं, इन चीजों में पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आप और मैं नहीं है, यहाँ पर आप और मैं नहीं, इस चैनल के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं। अगर आप सारी बातें एक तरफा वाली बात करेंगे तो उसका खंडन करना मेरा दायित्व है। रवि जी, वो भी वो रवि जी, आपको जो अच्छी बात नहीं लगती वो निष्पक्ष नहीं है, ये आप तय नहीं कर सकते। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। रवि जी, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे दोहरी उम्र के डबल उम्र के लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बात रखिए। पर वो जो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उन्हें मत सिखाइए कि उन्हें क्या बोलना है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या बोलना है। मीना जी, मैंने आज तक मैं सीखने के लिए बैठता हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं सीखने के लिए बैठता हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार के सिखाने वाले अगर मेरे समक्ष होंगे तो सोचिए कि युवा किस दिशा में चले जाएंगे। फिर हमने मैं आपको स्पष्ट कर दू, आपने सचिन पायलट जी का जिक्र किया, पहले ही आकलन अपना कर लेंगे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए ये बात मत बोलिए सिखाने वाले ऐसे या वैसे, सिखाने वाले जैसे हो वैसे वैसे नहीं बोल रहा मैं, इनका आज स्पष्टीकरण सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। पहले डॉक्टर मुनीश अरोड़ा को सुनते हैं। जी मुनीश जी, रवि जी, मैं आपसे एक नव निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपके सामने बहुत बड़ा लाइन पड़ी है, बहुत आगे जाना है आपको। राकेश वशिष्ठ जी बहुत सीनियर है, उन्होंने दो जो इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और जिन दो के बीच में इलेक्शन चल रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी, उसको उनका जो नेचर है, उनका जो तासीर है, उनके जो 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 उनकी क्षमता है उनको बताया, उसका कंपेयर करने की वो कोशिश कर रहे थे। उसको हम भी कंपेयर करते हैं कि दो, मैंने जब अशोक गहलोत के लिए कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, पत्रकारों के पकौड़े खा लेते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, बुजुर्ग लेता है, तब तो आपको बुरा नहीं लगा? नहीं लगा ना? मैं मेरी बात, एक मिनट,
रवि जी बात सुन लीजिए आप, राकेश वशिष्ठ जी का जो एंगल था ना, अगर आप उसको गौर से पकड़ेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि राहुल वर्सेस मोदी का इलेक्शन हो रहा है देश में। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए कि राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच में इलेक्शन हो रहा है देश के अंदर। आप कह रहे हैं राहुल वर्सेस मोदी का बना दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लोकतंत्र में पार्टियों के बीच की बात होनी चाहिए थी, लोकतंत्र के अंदर जन समस्याओं की बात होनी चाहिए थी। लोग अब आप तो राजनीतिक पार्टी से, राकेश वशिष्ठ जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि राहुल और मेरे पास एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने कहा राहुल जिस परिवेश से आए हैं और नरेंद्र मोदी जिस परिवेश से आए हैं, और जिनसे नरेंद्र मोदी शुरू से डिबेट करते रहे, एक आम भाषा जो होती है ना रवि जी, उसमें भी फर्क आ जाता। आप एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे से बात करिए और एक खेर गांव के बच्चे से बात करिए, तो जो जो मूल भाषा निकलती है बोलने में, उसमें ही फर्क नजर आता है। और वो राहुल गांधी, हम ये तो नहीं कहते कि प्रियंका गांधी की भाषा खराब है, प्रियंका गांधी कितनी मैच्योर होकर बोलती है, कितना अच्छे से मुद्दे उठाती है, कितना माँ के दर्द को उन्होंने अच्छे से बयान किया। क्या राहुल गांधी कर सक रहे हैं? अब तो उन दोनों के बीच की बात कर लीजिए ना, प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी की बात कीजिए, तो दोनों के प्रेजेंटेशन में कितना फर्क है, कितना उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्क है, कितना उनका जुड़ने में फर्क है। प्रियंका गांधी जिस तरह से महिलाओं में मिलती है, जाके बात करती है, क्या राहुल गांधी उतने तरह से मिल सक रहे हैं वो? तो राकेश वशिष्ठ जी जो इस बात को कह रहे थे और मेरे भाई जगदीश शर्मा जी जो कह रहे थे, आप रवि जी उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत आगे जाना है। अभी लोकतंत्र की जो लड़ाई चल रही है वो अभी तीन चरण बात की है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हिंट हर बार, इस बार चुनाव में मुद्दे बदले हैं, हर बार इस चुनाव में मुद्दे हैं, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक, अब पांचवें चरण में नए मुद्दे आ गए, और भाषा की शैली क्या बन गई, फर्क देखिए आप क्या। अब मैं मीना जी बड़ा इज्जत के बोल रहा हूं मैं, ये बस क्या स्वाति मालीवाल अकेला मामला है? स्वाति मालीवाल अकेला मामला तो नहीं है ना। अब उस चीज को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, मैं, मेरे को दर्द है स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसका, मुझे दर्द है। एक महिला के साथ, चाहे वो देश की कहीं भी रहती हो, कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी हो, उसका मुझे बहुत बड़ा दर्द होता है। महिला का सम्मान इस देश का सबसे बड़ा सम्मान है, मगर राजनीतिक जिस रूप से आगे बढ़ रही है उसको तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। खटाखट की भाषा अगर दोनों तरफ से आ रही है तो हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा रवि जी, अभी मैं अभी गहलोत वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ राकेश वशिष्ठ जी वाली बात कह रहा हूँ कि किस तरह से हालात है और जिस तरह से राजनीति चेंज हो रही है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, पर आपने जो कहा कि हर चरण के साथ चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन आप हमारे चुनावी मुद्दे उठाकर देख लीजिए, जो पहले चरण में थे वो अभी तक भी चल रहे हैं, हमारे कहीं पर भी फर्क नहीं है। आपने बात की लोकतंत्र का चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र को प्रस्तुत करना है किसी नेता, आप भाजपा के नेताजी को देखिए और हमारे राहुल गांधी जी को देखिए कि कौन किस तरीके की बात कर रहा है। लोकतंत्र के लिए क्या हिंदू मुस्लिम करना एक स्वस्थ प्रधान का उदाहरण है? अपने पार्टी का पक्ष रखने का और रखना चाहिए, लेकिन हम किसी पार्टी में बदले नहीं है, जो समस्या हमारी जानकारी में आता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हो सकता है आपको हमारी पार्टी के वो संस्कार भी है कि अगर हमारी पार्टी में गलत होता है तो हम पैदल चलकर हम विरोध करके भी हमारी पार्टी को आगाह करते हैं कि हमारी पार्टी की ये नहीं कि जो पार्टी में हमारे बड़े नेता कर रहे हैं उसको मुख बदल कर देते हैं। रवि जी, रवि रवि जी, रवि जी के इंटरनेट में बहुत इश्यू है आज, रवि जी के इंटरनेट में बहुत इश्यू है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के इंटरनेट में भी बहुत इश्यू है आज, आवाज आप दोनों की स्पष्ट नहीं आ रही है। जी जी जी, कोई बात नहीं, जगदीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जगदीश जी, रवि जी बड़े नौजवान हैं और युवा जब ब्लड है तो जिस तरह ने सुना है जितना खोलता है तो वो स्वाभाविक है रवि जी का, लेकिन रवि जी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की
अगर थोड़ी सी भी जो आज वो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे इतिहास क्या है थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा है। सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की राजनीति की है राजस्थान की राजनीति में, खास करके क्योंकि राजस्थान में उनका मन दिल आत्मा सब बसती है, इसीलिए राष्ट्रीय पद उन्होंने यहाँ पर रहना उचित समझा और चुना, ये कहना चाहिए उन्होंने चयन किया कि उन्हें राजस्थान में ही रहना है। लेकिन अब वो अपनी उस गलती को सुधारने के प्रयासों में जुट गए हैं, ऐसा कहना चाहिए क्या जगदीश शर्मा जी, कि अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो तार है उसमें अशोक गहलोत अपने आप को, कि ठीक है अब सत्ता तो है नहीं तो अब अगर जिम्मेदार और बहुत पूरे प्रदेश पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को रूल करना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए रास्ता अमेठी और रायबरेली से ही जाता है? ऐसा है मीना जी, मैंने अपना जो आपने मुझे पहला सवाल दिया था उसके जवाब में बताया था कि नेता जो है वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए रिटायर नहीं होता है। हालांकि ये बात आप जर्नलिस्टों के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन नेताओं के लिए तो फिर भी बैठ जाता है, उसको काम नहीं मिलता है। जर्नलिस्ट अगर बुजुर्ग हो जाता है ना तो फिर उसको काम नहीं देते लोग, फिर बस वो डिबेट में ही बुलाए जाते हैं। अशोक जी के बारे में मैंने खूबियां गिना दी आपको, अभी ये रवि कुमार गिना रहे थे कि जिस तरह की बात बोल रहे थे राकेश जी के सर, उसके बाद मैंने ये कहा कि अशोक जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, जिसका अशोक जी इस तरीके से अपनी साथी को गाली देते हैं वो सारे देश ने सुना है, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप माने तो ये सबको पता है और सारा मीडिया के बीच आ चुका है, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अशोक जी केवल देश में ऐसे कांग्रेस के नेता या लीडर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि आला कमान की भेजी हुई टीम को बैरल लौटा देंगे और यहाँ दूसरी मीटिंग कर देंगे, है आप सब लोगों को मालूम। अब आला कमान की वो कितनी इज्जत करते हैं, उसके बाद भी वो अमेठी की कमान संभाल रहे, उसके बाद भी उनको अमेठी भेजा गया, इससे अंदाजा लगाइए कि आला कमान कितना मतलब किस स्थिति में है। वो जो है ना पिछले इस चुनाव गुजरात का जो ये चुनाव था उससे पहले वाले चुनाव में राहुल गांधी जी के साथ घर घर घूम रहे थे, जो मंदिर मिल गया वहां भजन गाने बैठ गए, जो मस्जिद मिल गई वहां चादर चढ़ाने लग गए, सारा काम किया, मिला क्या उनको? आप ऐसे देखिए ना रिजल्ट क्या रहता है। और अब ये रिजल्ट भी देख लेना, मैं आपको आज तायिद करके जा रहा हूँ एक तरीके से, कह दीजिए कि यहाँ जहाँ वो इंचार्ज बने बैठे हैं ना, इसका रिजल्ट आप देख लीजिए क्या होने वाला है। यूपी में कांग्रेस को एक सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक की बात कर रहा हूं, जिस पर राहुल गांधी आपको जरूरत नहीं है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, आप भी गांठ बांध कर ले जाइए कि मैंने बोला था ये, अपन 4 तारीख के बाद दोबारा बात कर लेंगे। 17 सीटें तो टोटल दिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कुल मिलाकर, जिसमें 2 उनकी जो क्लेम किया जाता है, वैसे तो ये क्लेम बहुत गलत बात है, ये इनकी कोई खानदानी सीट नहीं है, किसी का चुनाव लड़ना बार बार एक सीट से वो खानदानी सीट नहीं हो जाती, वो तो दूसरा लड़ेगा और हरा देगा तो खत्म हो जाएगा खेल। लोकतंत्र में तो सारी चीजें खुली हुई हैं, कोई भी वहां से लड़े। खैर ये चीजें तो होती रहेंगी और मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन आपका प्राइमरी सवाल जो है वो ये था कि भाई इस तरीके से अशोक गहलोत दोबारा लाइमलाइट में आना चाहते हैं, चाहते हैं, हर एक नेता चाहता है, हर एक नेता चाहता है कि उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बड़ी जगह काम करने का अवसर मिले, ये सारी चीजें तो होता ही है, तो अशोक जी भी चाहेंगे, भले ही वो सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांग सार्वजनिक माफी मांगी उन्होंने टेलीविजन पर
आई एम सॉरी, इस सब के बावजूद भी जाते हैं, तो ये तो हर एक आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है। सॉरी भी कर दिया और चले भी गए। ये नेता नेता की नेचर के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो जाते हैं दिल्ली तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम राजस्थान में शांति रहेगी। अगर दिल्ली पहुंच गए तो राजस्थान में शांति रहने देंगे क्या? सवाल तो ये शर्मा जी और मुनेश अरोड़ा जी, इसका जवाब दीजिए। अगर वो दिल्ली पहुंच गए तो राजस्थान में शांति हो जाएगी? मीना जी बिल्कुल नहीं होगी। राजनीति क्या क्या समझौते करवाती है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ राजनीति क्या क्या समझौते करवाती है उसको कोई नहीं कह सकता। जिंदगी भर का दुश्मन एक मिनट में दोस्त हो जाता है राजनीति के अंदर। तो आगे क्या समझौते होंगे वो तो अभी 4 तारीख के बाद बहुत से, अभी दो चूर, ये पांचवा क्या चरण तो हो ही गया, बस उसका नए गुल आ गए। 2 चरण में और नए गुल आएंगे और 4 तारीख को सारे गुल और नए खिलेंगे। बिल्कुल देखना मीना जी, आपको बहुत से ऐसे रंग देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा ये रंग देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भले कितना भी कहें, अब उनके दिल मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक कि दोनों को आला कमान अपनी अपनी जगह सेट प्रॉपरली नहीं कर देता। प्रॉपरली सेट हो गए, अगर अशोक गहलोत का लड़का कहीं सेट हो गया तो अलग मसला हो जाएगा, नहीं हुआ तो अलग मसला होगा। सचिन पायलट के साथ क्या होगा, वसुंधरा अशोक गहलोत क्या गुल खिलाएंगे, ये सब भविष्य के घर में है। ये सब 4 तारीख को इंतजार कीजिए, आज कहना बहुत मुश्किल है। मगर एक बात मीना जी, ये चुनाव सिखा के जा रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए घातक है, दोनों पार्टियों के लिए घातक है। नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे जो चुनाव लड़कर पार्टी को सेटबैक दिया है, जो पार्टी उनके लोग उनके कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जो जो 80-80 साल के हो गए, जिन्होंने अपनी सीरीज सारी जिंदगी दे दी, वो रो लोग मेरे साथ बैठते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता आपको, उनका दर्द सुनिए मीना जी। जिस तरह से कांग्रेस से लोग छोड़ के आए बीजेपी में, और जो कांग्रेस के अंदर हुआ वो बहुत अच्छे हालात नहीं है। जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको बताया था मुद्दा कहां से उठा था, खड़गे की मीटिंग से उठा था, संविधान बदलने वाली बात कि ये 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदलते, अगर वो बदलते बदलते कहां चला गया कि ये संविधान बदल, जबकि संकल्प पत्र में ये बात कहीं थी ही नहीं, उन्होंने ये कह रहे हैं ऐसा था, मंगलसूत्र आ गया, ये बातें क्या राजनीति में देश को परिपक्व कर रही है, ये लोकतंत्र को परिपक्व कर रही है। अगर आप इनकी डिबेट दोनों की लाइव करवाए टीवी पे और मुद्दों पे बात कराए, तब समझ आता है कि हाँ इस मुद्दे पर इसका ये स्टैंड है और इस मुद्दे पर इसका ये स्टैंड है। तो जो जहां से बात शुरू हुई है अशोक गहलोत को लेकर के, वो खत्म नहीं होगी मीना जी जब तक कि दोनों सेट नहीं होंगे। और 4 तारीख के बाद क्या स्थिति बनेगी वो आज 4 तारीख ही बताएगी। 4 तारीख को 6 बजे के आसपास फिर बैठेंगे अपन लोग, फिर डिस्कस करेंगे कैसे क्या रहता है। बिल्कुल। और जगदीश जी, अगर पत्रकारों के लिए डिबेट बची हुई है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति के उस शिखर पर जाने वालों के लिए तो डिबेट भी नहीं बची हुई है। तो डिबेट में भी रवि जी जैसे युवा ही आते हैं प्रवक्ता के रूप में। अनुभव की जो वक्त बड़ा मुश्किल है वो बहुत है। अशोक गहलोत नहीं आ सकते डिबेट में, मैं बहुत बहुत डर लगेगा उनको डिबेट में आना। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने वरिष्ठों के बीच में बैठने का मौका मिलता है और इनसे मुझे कुछ हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। मैंने स्पेशली कहा हुआ है कि मुझे वरिष्ठ जनों के साथ बिठाइए आप, क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसी ऐसी बातें पता चलती है जो जाकर मैं आगे बताता हूँ, आगे बताने के बाद उससे हमारे अंदर दिखा रहता है। हमने इस लोकसभा चुनाव में आप सबके माध्यम से जो बातें आई है ना वो हमने आगे तक पहुंचाई है, और आज जो आप टक्कर की बात कर रहे हैं ना, ये आपके माध्यम से मिली बातों की बदौलत ही हम टक्कर के अंदर हैं। आप आगे तक,
आगे तक जब पहुंचाएंगे, आगे तक जब आप पहुंचाएंगे रवि कुमार सिकदर जी, तो टू वे रखिए, एक वन वे मत रखिए। आप वापस आए तो इन वरिष्ठों को ये भी बताए कि आपने जो क्या रिएक्शन सुनने को मिला, क्या चर्चाएं हो रही थी। आप सिर्फ जो एक 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 प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग का जो हिस्सा है ना कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, उससे ऊपर उठ के थोड़ा सा जब आप तथ्यों के साथ आएंगे किसी भी डिबेट में तो और ज्यादा बेहतर चर्चा कर पाएंगे, और तब आप हमें और बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या अशोक गहलोत को अब और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, या अशोक गहलोत को आप जैसे युवाओं को आगे करना चाहिए, या अशोक गहलोत को जिसको कहना चाहिए कि फ्रंट पे आना चाहिए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। किस तरह से आप लोगों को लगता है और आपकी पार्टी सोच रही है अशोक गहलोत के बारे में, जिससे कि पार्टी को फायदा हो और अशोक गहलोत का बहुत जो अभी तक का अनुभव है वो आप सबके लिए हितकारी हो, आप सबको उसका फायदा हो। जी मीना जी, मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो बातें ऊपर तक जाती है, जो हम दोनों तरफ बातें लेके जाते हैं, ये फायदा है और ये नुकसान है, हम वास्तविकता में दोनों बातें रखते हैं वहां पर। हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी कई बातें आपसे ऑब्जर्व करके वहां बताई कि इस आदमी से ये नुकसान होने वाला है, इस आदमी से ये फायदा होने वाला है, उस पर कार्यवाही हुई है। यही बातें हम आगे पहुंचाते हैं कि हाँ, अशोक गहलोत जी यहाँ फिट है, अशोक गहलोत जी यहाँ फिट नहीं है, और उस बातों पर हमारी बातों को अमल भी लिया जा रहा है। क्योंकि आज देखिए, राहुल गांधी जी ने युवाओं को इतना जबरदस्त मौका दिया हुआ है, इतना जबरदस्त मौका दिया हुआ है कि उन मौकों की बदौलत ही हम आज मजबूत स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं। आप विधानसभा चुनाव में टिकट देख लीजिए, आप लोकसभा चुनाव में टिकट देख लीजिए, या आप संगठन में देख लीजिए, 27 साल के लड़के को इतने वरिष्ठों के सामने भेज दिया जाता है। तो ये हम लोगों को निखारने के लिए ही काम किए जा रहे हैं कि हम लोग सीख कर आए, हम लोग बातें लेकर आए और उन बातों को आगे तक पहुंचे। क्योंकि राजनीति है ही आला कमान और धरातल, इसके बीच में आदान प्रदान होता है। ये ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया आपने क्या? मीना जी को कह रहे हैं क्या? ट्रेनिंग स्कूल, देखिए आदरणीय जी, सीख कर जाना ज्यादा लाभदायक है। यहाँ पर आकर वही अभी मीना जी ने कहा कि आकर बस प्रवक्ता वाली टोनी में बात करना, वो उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो रखो, वो भी तब रखो जब सामने पार्टी का प्रवक्ता हो। वो प्रवक्ता तो देखते ही भाग लिए, अब आपसे तो मैं क्या डिबेट करूं, आपसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सीखूं। रवि जी, पार्टी क्या चाहती है? अशोक जी को कहां देखना चाहती है? आप जैसे युवा क्या देखना चाहते हैं? आप इतना सीखते हैं तो थोड़ा समझाइए। जी जी, मैंने आपसे पूर्व में भी कह दिया कि पार्टी अशोक गहलोत जी को जिस जगह पर देखना चाह रही है ना, भविष्य के गर्भ में है, और आपको जल्दी इसके बारे में सूचना भी मिल जाएगी कि अशोक गहलोत जी यहाँ पर है। क्योंकि सारी बातें आपने बता दी। अपनी ओपिनियन भी बताइए। अपना ओपिनियन मैंने भी आपको दिया कि आप विधानसभा की स्थितियां देख लीजिए, लोकसभा में आप स्थिति देख लीजिए कि युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा मिल रहा है, और आप बात कर रहे राजस्थान की। मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान को राजस्थान की उम्मीद के अनुसार आला कमान उनके लिए एक सेवक भेजेगा। ये मेरा अंतरात्मा के आगे जो मजबूती के साथ आवाज है। बाकी जगदीश जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय जी, 4 तारीख के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप परिणाम वाले दिन। ठीक है रवि जी। रवि जी, राकेश जी, आखिरी एक एक सवाल आप लोगों से लेती हूँ। राकेश जी, जिस तरह से पिछले 6 साल की राजस्थान की राजनीति निकली है, पिछले 6 सालों में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का जो सिलसिला चला है, 6 सालों में जो आलाकमान इसे रोक नहीं पाया, लगता है आपको कि इस चुनाव के बाद इसे रोक पाएगा आलाकमान, कुछ बड़ा फैसला ले पाएगा? मुझे तो लगता नहीं। और दूसरी बात, स्थिति ये हो गई है आलाकमान की कि गुंडा गांव को नहीं खेल रहा, गांव गुंडे को नहीं खेल रहा। एक कहावत है अपना, मतलब तो गुंडा होता है तो गांव वाले चिंता नहीं करते और गांव वाले गुंडे की चिंता नहीं करते। ये स्थिति हो गई कि वो कतई आगे बात बनने की संभावना नहीं है। अब इनका प्रमोशन भी क्या, मान भी लो, आपने पायलट साहब अपने जनरल सेक्रेटरी बने हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के, अगर इनको अध्यक्ष भी बना दिया तो वहां क्या स्थिति होनी है? दोनों में कटुता इतनी है कि जो बोलचाल का स्तर इनका गिरा, इस मामले में पायलट की तो तारीफ करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी में, शायद उन्होंने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह का
अपशब्द इन्होंने गहलोत साहब ने उनके लिए बोले, ये ना तो राजनीतिक भाषा थी और ना संस्कारित भाषा थी परिवार की, जो संस्कार होते हैं। आप किसी का विरोध कर सकते हैं, करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी पार्टी का है, करिए, लेकिन इस तरीके से कि निकम्मा है, नालायक है, अब रगड़ाई नहीं हुई है, इस तरह के शब्दों का उपयोग और इस स्तर पर जाकर के कि साधारण कार्यकर्ता करे तो वो समझ आती है। शब्दों की राजनीति के पैरोकार हुआ करते थे किसी जमाने में अशोक गहलोत, जब वसुंधरा राजे और ललित मोदी को लेकर उन्होंने काफी कुछ की शब्दावली का ध्यान नहीं रखा जाता है, देखिए शब्दों की गरिमा नहीं है। अशोक गहलोत जी का ये अध्याय कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, जगदीश शर्मा जी निकम्मा नाकारा आवारा। मेरे से बात की आपने, मैंने अच्छा। कहा ये मैं कह रहा हूँ अशोक जी की देखो मैं दो खूबी भी जानता हूँ। एक खूबी तो ये कि वो भाग्यशाली है, बहुत जबरदस्त तरीके जब बिल्कुल नहीं लगता राजनीतिक तौर पर कि उनको कुछ मिलने वाला है, होने वाला है, तब हो जाता है। उनकी तीनों की तीनों टर्म एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भाग्य और उनका मैन मैनेजमेंट दो चीजों से मिला। चुनाव नहीं लड़ा है, पहले चुनाव में बताइए राजपूत कांग्रेस से क्यों विरुद्ध हुए? इसलिए हुए कि राजपूत ने चुनाव लड़वाया, राजपूत नहीं सॉरी जाट, मैं अभी थोड़ी जातिगत भाषा में आ रहा हूं और उसका कारण है, आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल। जाटों के परसराम मदेना जी पीसीसी चीफ थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सरकार बनने की नौबत आई, एक दो सीट कम थी, 98 थी कांग्रेस की। अशोक गहलोत जी जो है दिल्ली से हैं, मैसेज लिया है कि अशोक गहलोत बनेंगे, बहुत जो शोर मचा। आपको मालूम है शुरू में तो कैबिनेट में कोई भी जाट जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो तो फिर दिल्ली में आला कमान ने समझाया, ये किया कि हम करेंगे कुछ करेंगे, और थोड़े दिन बाद परसराम जी इस्तीफा देकर चले गए कि अगर ऐसे ही पार्टी को चलाना है। आज तक वो जाट कांग्रेस पार्टी के साथ ढंग से जुड़ा नहीं है, हालांकि वापस कोशिश होती है, वो बिरादरी भी जो है ऐसे जिसको की पावर के बिना रह नहीं सकती। तो ये कैसे हुआ? दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ था, देखिए किसने चुनाव लड़ाया और कौन बना। सीपी जोशी एक वोट से हार गए, किस्मत के अशोक गहलोत इतनी किस्मत के वो है मास्टर कि सीपी जोशी एक वोट से रह गए, वरना तो वो बनते रह गए पूरा चुनाव। ये आप अरोड़ा जी से पूछ लीजिए कि क्या क्या हुआ था तब। और अब तीसरी दफे चुनाव लड़ा पूरा सचिन पायलट ने, अशोक जी ले आए वहां से एक मैसेज कि भाई ये बनेंगे, और उनको बाद में भी बढ़ा देना चाहते थे तो वो मीटिंग ही नहीं होने दी, आला कमान के निर्णय को मना ही नहीं उन्होंने। आला कमान के बारे में उन्होंने ये कहा कि आप होते कौन हो, राजस्थान तो मैं चलाता हूं। तो अशोक जी की ये खूबियां हैं कि किस तरीके से मैन मैनेजमेंट किया जाए जी। और वो मैन मैनेजमेंट एंड मंथ में उनके साथ खड़ा हो, उनके साथ लगे, उनको पावर पोजिशन पे लाने के लिए कोशिश करे। आप कभी आप लोगों में से कोई AICC के दफ्तर में घूम के आया हो? राजनीति क्योंकि हेड्स काउंट करता है, राजनीति में तो हेड्स काउंट होते हैं, अशोक गहलोत को ये भली भांति आता है। तो राजस्थान में ये जो अशोक गहलोत का हेड मैनेजमेंट है और सचिन पायलट की किस्मत का लेखा जोखा है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इन दोनों के बीच से आप राजनीति लिखे हैं राजस्थान के इतिहास में, जब दो नेताओं का संवाद ही नहीं हो आपस में, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं हो, इस तरह की कटुता हो कि उसको पूरी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़े। मीना जी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी सत्ता ही चली गई है इन दोनों की लड़ाई में। राजस्थान की पूरी जो सत्ता गई है, आज जो हालात है, वो सिर्फ 3 लाख वोटों का अंतर था पूरे दोनों पार्टी के बीच में, और पूरी सत्ता चली गई और उसके पीछे 69 पे कांग्रेस आ गई। क्या कारण था? इन दोनों की लड़ाई अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता, प्रॉपर मुद्दों को ले जाया जाता, प्रॉपर जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उसको नीचे तक ले जाते,
तो बात कुछ अलग होती। अफसरशाही पे डिपेंडेंसी अशोक गहलोत की सबसे बड़ा कारण रही। अशोक गहलोत ये सोचते रहे कि अफसर जो है मेरे यही मेरी नैया पार कर देंगे, पार्टी की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट हुए या और नेता थे, उनको अगर उन्होंने साथ ले लिया था, फोल्ड में ले लिया होता, तो पार्टी का अलग आज अस्तित्व में होती है, राज ये बात नहीं हो रही। और दूसरी मीना जी एक बात बता दूं, 4 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, मैं नहीं जानता कि क्या रिजल्ट आएगा, कहीं कांग्रेस कुछ बेहतर कर गई और इंडिया अलायंस जब अब तो क्योंकि सट्टा बाजार वगैरह अपने अपने तरीके से बहुत कुछ बोलने लगे हैं, मीडिया में भी प्रधानमंत्री 1-to-1 या संपादकों के साथ बात करने लगे, जबकि उन्होंने पिछले 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर वो डिबेट में आ जाए आप हमारे साथ तो बात ही कुछ और हो जाए, मजा ही आ जाए उसका, तो फिर तो असली मुद्दों पे बात हो जाए, मगर वो नहीं हुआ आज तक। तो मीना जी जो हालात हैं, अगर इस तरह के हालात बने और जो 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या देश में स्थितियां बनेंगी आज कहना मुश्किल है, मगर जी। परिवर्तन का एक जी। दौर हमें देखने को मिलेगा और दोनों पार्टियों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कांग्रेस तो आत्मचिंतन करके गई थी उदयपुर से, मालूम है आपको आत्मचिंतन शिविर हुआ था उदयपुर के अंदर, मगर वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सका, उसका एग्जीक्यूशन उस तरह से हो नहीं पाया जितनी चर्चा, वो जो चाह रहे थे वो उतना नहीं हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी को जी मगर भारतीय जनता पार्टी को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, जिस तरह से पार्टी में बाहर का इंटैक हुआ, उससे जो नाराजगी है वो आने वाले समय आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन किया गया वो भी अच्छा नहीं लगा, और अशोक गहलोत साइडलाइन होते हैं वो भी अच्छा, ये भी हमारे समाज की सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो हम आपके साथ साझा करें, आपका इनपुट आपका फीडबैक हमें मिले, सुझाव के मिले, और हमारे वरिष्ठ मेहमानों के अनुभव से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिले जो आज की युवा पीढ़ी ने देखी नहीं है, जानी नहीं है। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।